हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल चैनल मिस्टर बॉट। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में विंडोज़ 10 के कुछ हिडन कमांड्स को बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके रन करते हैं और उसके बाद हम इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम अपने कमांड्स को रन करते हैं। दोस्तों, आपके सिस्टम में बैकग्राउंड प्रोसेस में कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही है, वो सारी एप्लीकेशंस को हम देखने के लिए टास्क लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं। इस कमांड से हम अपने सिस्टम में बैकग्राउंड एप्लीकेशंस जो जो रन हो रही हैं उन कमांड्स को हम देख सकते हैं। और दोस्तों, सेकंड कमांड है ड्राइवर क्वेरी। इस कमांड से हम आपके सिस्टम में ड्राइवर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन कौन से ड्राइवर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड हैं। ड्राइवर क्वेरी कमांड ये मैक्सिमम ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी अच्छी कमांड है। दोस्तों, तीसरी कमांड मेरी बहुत यूज़फुल कमांड है। मैं यानी उस कमांड को काफ़ी यूज़ कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस कमांड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। ये इस कमांड को टाइम बचाने के लिए यूज़ किया जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये कमांड है सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो आपको सिस्टम रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और इसके साथ एक्सटर्नली मैं एक कमांड और ऐड करना चाहता हूँ। मुझे जैसे कैलसी खोलना है, अब मैं दोबारा CALC करके एंटर करूँगा, फिर सिस्टम इन्फो रन करूँगा तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा। इन दोनों कमांड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, देखिए कैसे करते हैं। सिस्टम इन्फो रन कैलसी मैंने कमांड टाइप कर दिया है, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने सिस्टम इन्फो किया तो पहले ये सिस्टम इन्फो रन होगा, उसके बाद कैलसी वाली कमांड रन होगी। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों कमांड एक साथ रन हो गए। ये काफ़ी अच्छी कमांड लगती है मेरे को पर्सनली। और दोस्तों, चौथी कमांड है IP कॉन्फिग। दोस्तों, इस कमांड का हम मैक्सिमम यूज़ IP एड्रेस वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं। ये काफ़ी डेली यूज़ में यूज़ होने वाली कमांड है। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको एक काफ़ी अच्छी कमांड बताने वाला हूँ। इस कमांड के बारे में मैक्सिमम लोग पूछते हैं। आप अभी हमने जितने भी कमांड्स को रन किया है अपने सिस्टम में, कौन कौन से कमांड्स को रन किया है, इसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। और कमांड का नाम है /history। इस कमांड से हम अपने सिस्टम में जो जो कमांड्स को हमने यूज़ किया है कंसोल में, वो सारी की सारी हम देख सकते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं टास्क लिस्ट ड्राइवर क्वेरी, अभी हमने इन कमांड्स का यूज़ किया है। दोस्तों, ये लास्ट कमांड बहुत अच्छी कमांड है। मुझे लगता है कि इसकी ये कमांड आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सिस्टम शटडाउन करने के लिए है। आपने विंडोज़ 10 फ़ोन में देखा होगा, विंडोज़ फ़ोन में देखा होगा कि हम जब पावर बटन प्रेस करते हैं और एक स्लाइड आता है, स्लाइड डाउन करते हैं, तब हमारा मोबाइल जो है शट डाउन होता है। उसी तरीके से आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं विंडोज़ 10 के अंदर। तो दोस्तों, वो कमांड है स्लाइड स्लाइड टू शट डाउन। ये बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। आप देखिए इस कमांड को रन करते ही क्या होता है। देखिए, एक स्लाइड आ गई है। इस स्लाइड को अगर मैं नीचे कर दूंगा तो मेरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी अपना सिस्टम शट डाउन नहीं करना है, इसलिए मैं इसे वापस छोड़ देता हूँ। अब कंसोल से मैं एग्ज़िट हो जाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर बेकार लगी तो वीडियो को डिसलाइक करिए। और दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।